मणिपुर हिंसा पर सदन में हंगामा, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोली मोदी सरकार। संसद के मॉनसून सत्र का पांचवा दिन भी हंगामेदार रहा। इस सेशन के पांचवें दिन विपक्ष ने मणिपुर हिंसा मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। वहीं पीएम मोदी इस मुद्दे पर बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के दो मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया है। सबसे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा है। गौरव गोगोई ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया है, क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है। उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं, क्या वहां रहेंगे, क्या हाउस में आने दो। पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। सर, नंबर अगेंस्ट ऑपोजिशन है, उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो तो उनका काम है जी, उनका काम है, हम क्या करें जी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश की जनता को पीएम मोदी और बीजेपी पर पूरा विश्वास है, ऐसे में जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। सुनिए प्रहलाद जोशी ने और क्या कुछ कहा है। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। सर, डू वी हैव कॉन्फर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन? आई एम नो, यू आर टेलिंग इट नाउ। गौरतलब है कि मणिपुर की घटना में महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। विपक्ष सदन में इस पर पीएम मोदी से लगातार जवाब का मांग कर रही है, लेकिन पीएम मोदी सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष को किसी भी तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया है, जिसके बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा भी हुआ। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव क्या रंग दिखाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।